अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने कमीज़ को अपनी कटिंग कर ली है। कमीज़ के रॉन्ग साइड पर हम इस तरह से बुकरम चिपका लेंगे। कमीज़ को हम सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम नेक की चौड़ाई और नेक की गहराई का निशान लगा देंगे। तो नेक की चौड़ाई है मेरी यहाँ पर 3 इंच और नेक की डीपनेस है हमारी 5.5 इंच। यहाँ से हम इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हम गोलाई का शेप देंगे। नीचे के साइड से हम वी शेप कटिंग करेंगे। इसके लिए हम 1 इंच से कम निशान लगाएंगे और इसकी गहराई में 2 इंच का निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को हम आपस में जोड़ देंगे। पैटर्न हमारा यहाँ पर मार्क हो चुका है। नेक्स्ट हम इसकी कटिंग कर लेंगे। वी शेप को हम दूसरे कपड़े पर मार्क करेंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा पीस लेंगे। पीछे के साइड पर हम बुकरम चिपकाकर यहाँ पर इस पैटर्न को ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कटिंग कर लेंगे और पैटर्न की शेप को भी हम कटिंग कर देंगे। आगे की साइड से हम 1 इंच इस तरह से कपड़ा रखकर कटिंग कर देंगे। नेक्स्ट हम गले की गोलाई में हम इसे इस तरह से शेप देते हुए हम वाटर स्प्रे करते हुए हम इस पट्टी को पूरी नेक की गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरह से सेट करें। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ही रखकर हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। इसके बाद हम इस पैटर्न को स्टिच करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कच्ची सिलाई करके भी इस पैटर्न को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इस तरह से पट्टी को खोलकर अंदर की साइड पर हम कमीज को अच्छे से सेट करेंगे।
और कॉर्नर की सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। कमीज़ का फैब्रिक पैटर्न के अंदर हाफ इंच जितना हम सेट करेंगे। नेक पैटर्न हमारा यहाँ पर स्टिच हो चुका है। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स।